जयपुर एसएस जैन सुबोध शिक्षा समिति के अंतर्गत संचालित शिक्षण संस्थाओं का सामूहिक गणतंत्र दिवस समारोह रामबाग परिसर स्थित जनमंगल खेल मंडप पर बड़े ही गरिमापूर्ण तरीके से आयोजित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि न्यायाधिपति इंद्रजीत सिंह, न्यायाधीश राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर रहे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने अपने उद्बोधन में उपस्थित भावी पीढ़ी का आह्वान किया कि वे भारत को विकसित देशों की श्रेणी में ले जाने के लिए आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्रणी भूमिका निभाएं। कार्यक्रम में एनसीसी, बॉयज एंड गर्ल्स, स्काउट्स एंड गाइड्स तथा बैग पाइपर बैंड परेड में शामिल हुए। लगभग 500 स्टूडेंट्स की मास ड्रिल आकर्षण का केंद्र रही। सुबोध शिक्षा समिति की सभी 19 शिक्षण संस्थाओं से वर्ष भर की शैक्षणिक, सांस्कृतिक, खेलकूद गतिविधियों में अव्वल रहे स्टूडेंट्स को इस अवसर पर सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर देशभक्ति और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भारत एक ओजस्वी गणतंत्र थीम पर आधारित की प्रस्तुति भी दी गई। नृत्य नाटिकाओं के जरिए भारत की विकास यात्रा को दर्शाने की कोशिश की गई। इस अवसर पर सुबोध शिक्षा के अध्यक्ष नवरत्न मल कोठारी, मानद सचिव सुमेर सिंह बोधरा एवं समस्त कार्यकारिणी के सदस्य मौजूद थे। प्रिंसिपल कमलजीत यादव ने स्टूडेंट्स की हौसला अफजाई की। साथ ही कार्यक्रम के अंत में सुबोध शिक्षा समिति के ज्वाइंट सेक्रेटरी विनोद लोढ़ा ने उपस्थित लोगों का धन्यवाद किया। कुतुब मेल के लिए आशा पटेल, जयपुर, राजस्थान। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।